आप देख रहे हैं बंशीधर न्यूज। गढ़वा पुलिस ने 2.5 किलो अवैध गांजा के साथ मोबाइल दुकानदार को किया गिरफ्तार। SDPO अवध कुमार यादव ने गढ़वा सदर थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि गढ़वा शहर के दानरो नदी किनारे टैंप स्टैंड के पास जोया मोबाइल सेंटर में अवैध रूप से गांजा बेचते हुए दुकानदार को गिरफ्तार किया गया है। शहर के साई मोहल्ला निवासी मोबाइल दुकानदार गुड्डू खान पिता अमीन खान को उसके दुकान से 2.5 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। गुड्डू खान ने पूछताछ में बताया कि वह 1.5 साल से अपने मोबाइल सेंटर से अवैध गांजा की बिक्री कर रहा था। उप मामले में गढ़वा सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया गया। पकड़े गए गांजा की कीमत करीब 20,000 रुपए बताई जा रही है। जोया मोबाइल सेंटर में पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई। इस छापेमारी में 2.5 किलो के करीब अवैध गांजा से बरामदगी हुई है और अवैध गांजा के आरोप में गुड्डू खान जोया मोबाइल सेंटर के संचालक को गिरफ्तार किया गया। ये विगत 1.5 वर्षों से वहाँ गांजा का अवैध बिक्री कर रहा है।